प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में, उनके साथ ये धोखा हो रहा है। सो द पॉइंट इज, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए वर्तमान संविधान व्यवस्था लाई गई है। एक सरकार की नीति है कि अगर कोई गलती पाई जाती है उसको नोटिस देंगे। अगर सेवा प्रदाता ने आज किस कोई नौजवान पसंद नहीं आया तो उसको उठा के उसने 500 किलोमीटर दूर भेज दिया। जो संविधान में अधिकार हैं उनका हनन है। नमस्कार, मैं अश्विनी द्विवेदी गांव कनेक्शन से। मनरेगा देश के लाखों मनरेगा कर्मचारियों की रोजी रोटी पर एक संकट है। वो बहुत तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के पूर्व सदस्य संजय दीक्षित जी इन दिनों 1 जुलाई से लखनऊ में कर्मी कंसन पर बैठे हुए हैं। आइए संजय दीक्षित जी से जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन समस्याओं को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं। प्रदाता नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दी बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में, तो आउटसोर्सिंग के जरिए जो पद भरे जा रहे हैं, इससे सरकार को क्या राहत है, क्या फायदा है और क्या इससे आम जनमानस को भी फायदा होगा, क्या है न्यायोचित? देखिए, एक बात मैं बता दूं, सेवा प्रदाता के बारे में ये जग जाहिर है। हर राज्यों में सेवा प्रदाता, पता लगा 8 महीने का ईपीएफ जो विभाग ने दिया उसको कर्मचारियों के लिए, वो ना जमा करके भाग जाता है। FIR है, CBI जांच चल रही है। यू आर गिविंग हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज टू अ प्राइवेट कंपनी टू गिव इट टू द एम्प्लॉइज। जो काम विभाग का हुआ है, 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में सेवा प्रदाता को देने के लिए राज्य सरकार ने तय किया है। क्या गारंटी है कि वो 200 करोड़ रुपए उनको देगा? दूसरी बात, सरकार अगर नौजवानों को संविदा पे रखती है तो एक सरकार की नीति है कि अगर कोई गलती पाई जाती है उसको नोटिस देंगे, उस पर जांच करी जाएगी। अगर सेवा प्रदाता ने आज किस कोई नौजवान पसंद नहीं आया तो उसको उठा के उसने 500 किलोमीटर दूर भेज दिया और उसको सेवा से मुक्त करा दिया कि आपकी ये शिकायत है। जो संविधान में अधिकार हैं उनका हनन है। नेचुरल जस्टिस नहीं मिलता सेवा प्रदाता के माध्यम से। अभी बीच में हमने चर्चा के दौरान ये कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती किया जा रहा है, तो ये शिक्षित रोजगार आउटसोर्सिंग के जरिए, तो इसमें इंजीनियर्स भी आएंगे, हो सकता है उसमें डॉक्टर्स भी आएंगे। यस, आउटसोर्सिंग में कोई भविष्य नहीं है। आउटसोर्सिंग में इसलिए भविष्य नहीं है कि आप एक ठेकेदार के कर्मचारी हैं जिसको यह आज़ादी है कि आपको किसी समय भी, या खुद उसने अगर कोई गलती की तो उसकी सजा भुगतेंगे वो हजारों नौजवान जो उसके यहाँ सेवा में है। उत्तर प्रदेश में 6000 रुपए मानदेय है जिसमें 12% काट लीजिए तो 800 रुपए वो कट गया। बिहार में मनरेगा के यही ग्राम रोजगार सेवक को 14,500 रुपए तनख्वाह मिल रही है। 6 लाख रुपए आकस्मिक मृत्यु पे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में यही रोजगार सेवकों को 9,000 रुपए मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां इन मेहनती रोजगार सेवक और संविदा कर्मियों ने देश में प्रथम स्थान पर लाए प्रदेश प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में, उनके साथ ये धोखा हो रहा है। सो द पॉइंट इज, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए वर्तमान संविदा व्यवस्था लाई गई है।